सलीम साहब और जावेद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी. मैं उनके साथ जंजीर में काम कर चुका था और वो हाल ही में रिलीज़ हुई थी. और जब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई अगली फिल्म के लिए तो मुझे बहुत पसंद आई और उन्होंने जा कर के थोड़ी सी पैरवी की मेरे लिए रमेश जी के सामने. और इस तरह से फिर मेरी फिल्म को उन्होंने दिखाया. रमेश जी शायद इतने वाकिफ़ नहीं थे मेरे काम से और सलीम जावेद साहब ने उनको फिल्म दिखाई और उसके देखने के बाद फिर ये उन्होंने सोचा मैं निर्णय लेता हूँ. बीच में जब मुझे लगा कि शायद इसमें नौकरी मिले ना मिले, मैं धर्म जी के पास भी गया, उनके घर गया. मैंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है इस फिल्म में काम करने की, अगर आप थोड़ी सी मेरी भी सिफारिश कर देंगे तो अच्छा होगा. तो ये मिलजुल करके इसी तरह काम मिल गया रमेश जी के. जनवरी के उसी वर्ष में दीवार रिलीज़ हुई थी और उसमें मेरी मृत्यु हो गई थी. तुमने कहा दोबारा इसको मार के इसको जीवित रखो और ये तय हुआ कि चलिए इसको जीवित कर देते हैं. तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, आज तो शनिश्चर है, इतवार को संडे को सुबह जा करके वापस रामनगर जाते हैं और इसको रीशूट करते हैं और हमको जीवित करते हैं और सोमवार तक हम ये इसका प्रिंट करवा करके इसको हम थिएटर्स में शाम तक लगवा देंगे और देखते हैं क्या असर होता है. ये तय हो गया. उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि जितना इक्विपमेंट वगैरह है सिनेमा का यहाँ से जाए, वो चेन्नई से मद्रास के पास से मंगवा लिया. उनको शायद आदेश भी दे दिया कि अपना जितना भी सामान है उसको चलाना शुरू कीजिए. और फिर जैसे जैसे हम लोग ये बातचीत ख़त्म हुई और गेट तक पहुँचे सब लोग तो जा रहे थे घर, निर्णय हो चुका था. फिर रमेश जी ने ऐसे ही मुड़ के कहा यार सोमवार तक देख लेते हैं क्या होता है और अगर तब भी कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर अब नियति है, अब क्या कर सकते हैं उसका. सोमवार को जो हुआ वो फिर अद्भुत हो गया.